हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके इन शॉर्ट्स। और मैं थर्ड वीक की करंट अफेयर जो टॉप रहती हैं वो मैं फिर से एक बार आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशन ने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की है, जिस रिपोर्ट का नाम है द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2020। अब इस रिपोर्ट में जो वर्ल्ड इकोनॉमी की जीडीपी है वो इस बार श्रिंक करने वाली है बाई 3.2% इन 2020, और जो जीडीपी ग्रोथ होने वाली डेवलप्ड कंट्रीज है वो डिक्लाइन करेगी टू -0.5%। तो आप लोग इस रिपोर्ट का नाम ध्यान रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा या फिर स्नैपशॉट ले लीजिएगा, वर्ल्ड सिचुएशन एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। ठीक है, फिर देखिए, जो इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस है, इसने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, एक स्टडी पब्लिश की है, जिसमें ये है कि इंडिया जो है उसने अपना पोटेंशियल इंक्रीज कर दिया है रिन्यूएबल एनर्जी का 500 से 700 बिलियन यूएस डॉलर। देखिए, अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, अगर कोई न्यूज है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो पॉसिबली आपसे पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भादला सोलर पार्क है राजस्थान में, ये लार्जेस्ट सोलर पार्क है इन द वर्ल्ड। ये इम्पोर्टेंट है कि भादला सोलर पार्क राजस्थान में लार्जेस्ट सोलर पार्क है वर्ल्ड में। फिर देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीआई टैग प्रोवाइड किया है तेलिया रुमाल ऑफ तेलंगाना को और सोराई खोवार पेंटिंग झारखंड की। ठीक है, अब देखिए, ये सोराई खोवार होता है ना, ये एक तरीके की पेंटिंग होती है जो लोकल ट्राइबल वुमेन झारखंड में बनाती हैं, और ये ट्रेडिशनल होती है, मुरल आर्ट होती है। और ये जो तेलिया रुमाल है ये एक हैंडमेड वर्क होता है कॉटन में, और ट्रेडिशनल प्रोसेस से इसको बनाते हैं, तो इसको जीआई टैग दिया गया है। फिर देखिए, एक प्रोटीन है, इसका नाम है अल्फा सिनुक्लिन। ये क्या है, ये क्रूशियल रोल प्ले करता है पार्किंसन डिजीज में। अब इस एग्रीगेशन ऑफ दिस प्रोटीन लीड्स टू द डेथ ऑफ न्यूरॉन सेल। ठीक है, जब एग्रीगेट बहुत ज्यादा होने लगता है इस वाले प्रोटीन का, अल्फा सिनुक्लिन का, तो इससे जो डेथ होने लगती है न्यूरॉन सेल की, और पार्किंसन डिजीज में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। देखिए, इंडिया ने अटेंड की है 32nd कॉमनवेल्थ की मीटिंग अटेंड की है, और इसमें देखिए इसकी आपको थीम याद रखिएगा, इसकी थीम जो थी वो थी डिलीवरिंग अ कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रेस्पॉन्स। इस थीम का नाम याद रखिएगा, और इंडिया ने अटेंड की थी 32nd कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर की मीटिंग वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। फिर उसके बाद देखिए, जो कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है इंडिया की, उसने वार्निंग इशू की थी, एक नया मालवेयर आया था, उसका नाम था इवेंट बॉट। इसको नाम ध्यान रखिएगा, इवेंट बॉट इसका नाम था, आपसे इस मालवेयर का नाम पूछ सकता है एग्जाम में। ये जो मालवेयर था ये आपका स्टील कर सकता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एंड्रॉयड फोन यूजर्स, तो आपको इस मालवेयर का नाम ध्यान रखना है। फिर देखिए, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ने डेवलप किया एक इंजेक्टेबल सिल्क फाइब्रोइन बेस्ड हाइड्रोजेल टू डिलीवर सस्टेन इंसुलिन टू डायबिटिक पेशेंट। अब आपको ये सिल्क फाइब्रोइन बेस्ड हाइड्रोजेल का नाम ध्यान रखना है, और ये जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ने बनाया है। ठीक है, इंसुलिन टू डायबिटिक पेशेंट उनके लिए बनाया हुआ है। और ये होता क्या है बेसिकली, ये भी मैं आपको बता देता हूं कि इसमें क्या होता है। देखिए, जो फाइब्रोइन होता है ना, ये एक इनसॉल्युबल प्रोटीन होता है, और सिल्क जो है उसमें दो प्रोटीन होते हैं अपने रॉ फॉर्म में, और जो फाइब्रोइन होता है वो सिल्क वॉर्म प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और जो हाइड्रोजेल होता है ये पॉलीमर चेन से मिलकर बना हुआ होता है, तो इसको आप ऐसे ही, मैंने याद थोड़ा बता दिया इसके बारे में, बाकी आप नेम याद रखिएगा वो इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया है, ये एक सेंट्रल ऑनलाइन रिपोजिटरी है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। फिर देखिए, जो साइंटिस्ट ऑफ एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी जो है, इन्होंने श्री चित्र त्रिनाल इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर डेवलप किया है एक न्यू बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट, और जो ये जो इम्प्लांट है ना, ये डेवलप किया है आयरन मैंगनीज एलॉय से, इसका नाम ध्यान रखिएगा इम्प्लांट का।
आयरन मैंगनीज अलॉय। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिए यूनियन मिनिस्ट्री फॉर ट्रैवल अफेयर्स है, इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है अर्जुन मुंडा और इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है गोल। अब ये जो गोल प्रोग्राम है ये इसका प्रोग्राम जो है इज गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, तो ठीक है, और जो प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया गया है विद फेसबुक, तो इसको ध्यान रखिएगा ये फेसबुक के साथ इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम का जो मेन एम है वो ये है कि ये जो प्रोग्राम है ये प्रोवाइड करेगा मेंटरशिप टू ट्राइबल यूथ इन डिजिटल मोड, तो उनको ये यूथ को हेल्प करेगा, मेंटरशिप प्रोवाइड करेगा ट्राइबल यूथ को डिजिटल मोड में, ठीक है। ये साइक्लोन आया हुआ है, इसका नाम है अम्फान, ये बे ऑफ बंगाल में है और वहां पर ये इंटेंसिफाई हुआ है, तो ये साइक्लोन जो है सीवियर साइक्लोनिक ये हो गया है, सीवियर साइक्लोन हो गया है। तो देखिए सीवियर साइक्लोन होता क्या है, अगर जो विंड की स्पीड 89-117 किलोमीटर पर आवर इस रेट से चलना शुरू हो जाती है तो इसको बोलते हैं सीवियर साइक्लोन। फिर लिखा है देखिए, इन ऑर्डर टू हेल्प द कंट्री फाइट अनएम्प्लॉयमेंट जनरेटेड ड्यू टू कोविड-19, तो आर्मी ने ये लॉन्च किया है, इसको बोलते हैं टीओडी। टीओडी का मतलब है टूर ऑफ ड्यूटी। तो टूर ऑफ ड्यूटी के अंदर क्या है, देखिए टूर ऑफ ड्यूटी एक 3 ईयर की इंटर्नशिप है यूथ के लिए टू वर्क एज ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स एज एन इन द इंडियन आर्मी। देखिए 3 साल के लिए इंटर्नशिप और यूथ जो है वो काम कर सकता है एज ऑफिसर और सोल्जर की तरीके इंडियन आर्मी में, तो ये है टूर ऑफ ड्यूटी। तो देखिए ये साइंटिस्ट है न्यूजीलैंड में, उन्होंने डिस्कवर किया है एक सुपर अर्थ, इसका ये लोग बोल रहे हैं कि इसका पास पोटेंशियल है कंडीशंस के लिए जो ह्यूमन लाइफ को सस्टेन कर सकता है। अभी जो सुपर अर्थ है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ये गोल्डीलॉक्स जोन की तरीके काम कर सकता है फ्यूचर में। अब देखिए गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है, गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है कि स्पेस अराउंड अ स्टार वेयर टेम्परेचर एप्टली सस्टेन वाटर इन लिक्विड स्टेट, और जो स्पेस है वो सपोर्ट करता है लाइफ को, उस वाले एरिया को बोलते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। फिर देखिए इंडिया जो है उसने ज्वाइन किया 61 कंट्रीज के साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, टू आइडेंटिफाई कि क्या सोर्स है कोविड-19 का, और चाइना और यूएस इसके पार्ट नहीं थे। तो ये मैंने आपको बताया था पहले पिछले वीडियो में कि ये ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है मॉरिसन, उन्होंने बोला है क्योंकि इंडिया इस बार वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की उसमें एग्जीक्यूटिव हेड बन के आएगा, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला जा रहा है कि आप कराइए, और चाइना उसको अपोज कर रहा है। और ये देखिए ये जूनोटिक सोर्सेज क्या होते हैं एनिमल्स के, फ्रॉम विच डिजीजेस कैन ट्रांसमिट टू ह्यूमन, तो ये जूनोटिक सोर्सेज होते हैं। अब देखिए गगनयान मिशन के बारे में न्यूज है कि देखिए गगन मिशन जो गगनयान है वो स्पेस प्रोग्राम है इसरो का, और इस प्रोग्राम में 3 एयरफोर्स के पायलट है, याद रखिएगा 3 एयरफोर्स के पायलट जो है वो स्पेस भेजे जाएंगे, और जो क्रू मिशन होगा वो लॉन्च होगा दिसंबर 2021 में लॉन्च होगा, और इसमें एक फीमेल रोबोट भी भेजी जाएंगी, इनका नाम है व्योमित्र, ठीक है, व्योमित्र नाम है, ध्यान रखिएगा इस फीमेल रोबोट का, और ये साथ में जाएंगे एस्ट्रोनॉट्स के। फिर देखिए नेक्स्ट, देखिए जो हाइड्रोक्लोरोक्विनाइन था उसको 4 ड्रग में शामिल किया गया है, ट्रीटमेंट चल रहा है ट्रायल्स के लिए WHO ने शामिल किया है। तो देखिए 4 ड्रग जो है, एक तो हाइड्रोक्लोरोक्विनाइन हो गया, दूसरा लोपिनावीर और राइटोनावीर हो गया, ठीक है, तीसरा लोपिनावीर एंड राइटोनावीर अलोंग विद इंटरफेरॉन हो गया, और जो चौथा हो गया रेमडेसिविर हो गया, ठीक है। ये वाला ड्रग जो है ना इबोला के लिए बना था यार चौथा वाला, पर ये इतना इफेक्टिव हुआ नहीं। अब देखिए ये एक क्रम बहुत चल रहा है कि ये बाल्टिक ट्रेवल बबल क्या होता है, तो देखो जो बाल्टिक कंट्रीज होती है उन्होंने अपने बॉर्डर जो है वो ओपन कर दिए एक दूसरे के कंट्रीज में जाने के लिए, तो इसको बोलते हैं ट्रेवल बबल, और इसी को बोलते हैं बाल्टिक ट्रेवल बबल। और इसमें देखिए 3 कंट्रीज हैं, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया, तो जैसे ये मान लीजिए कंट्रीज हैं इस तरीके से, ठीक है 3 कंट्रीज हैं, तो ये अब जो इसके इन लोग यहाँ रह रहे ना, अभी जो पर्सन ए है ये इस लोकेशन पे भी जा सकता है और इस लोकेशन पे भी जा सकता है, तो इनके लिए अब बॉर्डर जो है वो खत्म कर दिया गया है, तो अब इसको बोलते हैं बाल्टिक ट्रेवल बबल, इनको नाम दिया गया है। फिर देखिए एक नया पैरासाइटिक फंगस मिला है, इसका नाम है ट्रेग्लोमाइसिस ट्विटरी। अब ये ट्विटर पे डिस्कवर हुआ है, इसकी भी आप एक पिक पड़ी हुई थी तो किसी ने देख के बोला कि अरे ये तो कभी देखा ही नहीं गया है, तो इसके लिए इन्होंने इसका नाम ही ट्विटर पे रख दिया है ट्रेग्लोमाइसिस ट्विटरी, ठीक है। फिर देखिए एक वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म है,
ये दीक्षा जो है एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए वन क्लास वन चैनल, इसमें ये देखिए एक डेजी करके प्रोग्राम है, ठीक है, इसका नाम ध्यान रखिएगा। ये स्टडी मटेरियल यहाँ पर होगा फॉर डिफरेंटली एबल्ड पीपल के लिए, जिससे वो लोग एक्सेस कर पाएंगे। और एक स्वयं ऑनलाइन कोर्स भी है, इसमें आपको ऑल क्लासेस फ्रॉम 1 to 12 आपको एजुकेशनल मटेरियल जो आपको प्रोवाइड होगा। फिर देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया है रिकमेंडेशन जो सिखकर कमेटी ने दी थी कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया जाए, ध्यान रखिएगा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सिखकर कमेटी बनाई गई थी। फिर देखिए चरण पाद का कैंपेन क्या ये है, जो ये मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया था और ये माइग्रेंट वर्कर्स के लिए था जो पास कर रहे थे स्टेट से। इस कैंपेन में क्या था, जो माइग्रेंट वर्कर्स को प्रोवाइड किए जाते शूज और स्लीपर्स, जिससे कि वो पहन के आराम से वॉक कर सके। फिर देखिए आपसे पूछ सकता है हैंको किससे रिलेटेड है। देखिए हैंको जो है ना एक तरीके का पर्सनल स्टैम्प है जापान का, ये किसके बराबर है, ये इक्विवेलेंट टू सिग्नेचर है इन अदर कंट्रीज में। और ये इसमें बहुत क्रिटिसिज्म चल रहा था इसका, क्योंकि इसके बिना जापान में कोई काम नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हैंको स्टैम्प वहां पे, ध्यान रखिएगा ये हैंको जापान से रिलेटेड है। फिर देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अफेयर ये अर्बन अफेयर्स ने रिलीज किया है स्टार रेटिंग गार्बेज फ्री सिटीज का। इसमें 5 सिटीज का आप नाम ध्यान रखिएगा, इसका नाम है अंबिकापुर, सूरत, राजकोट, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई, इनका नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये पूछ सकता है आपसे। फिर देखिए इंडियन रेलवे ने ऑपरेशनलाइज किया है पहला 12,000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का, और ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में बनाए गए हैं। तो इनको जो बनाए किसने, फ्रेंच एल्स्टॉम कंपनी ने बनाए हैं अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट में ये बोल रहा है कि जो सन है वो रीच करा है अपनी एक स्टेट में, जिसको बोलते हैं सोलर मिनिमम। अब देखिए जो सोलर साइकिल, ये जो साइकिल है सन की, ये लास्ट करती है 11 इयर्स के लिए, इसको सोलर साइकिल बोलते हैं। अब सोलर मिनिमम का मतलब ये नहीं है कि जो सन है वो एकदम डल हो गया है और वो काम नहीं कर रहा है, इसका बस ये मतलब होता है कि सन अपने फॉर्म्स को चेंज कर रहा है और जो सन स्पॉट है वो फेड अवे हो जाते हैं ऑलमोस्ट 11 इयर्स में, ठीक है। तो सन सोलर मिनिमम अपनी स्टेट में पहुंच गया है सन। फिर देखिए 20 मई को, ये याद रखिएगा 20 मई को होता है वर्ल्ड बी डे, और इस बार की थीम थी सेव द बीज। अब ये इनकी इनके बर्थडे पे सेलिब्रेट किया जाता है, स्लोवेनियन एपिकल्चर पायनियर थे एंटोन जेंसा, इनके नाम से किया जाता है। तो आप बस थीम याद रखिएगा और वर्ल्ड बी डे याद रखिएगा। फिर ये ध्यान रखिएगा कि जो अर्थ समिट थी ना पहली, वो रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुई थी। फिर उसके देखिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने लॉन्च किया एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है नेशनल टेस्टिंग अभ्यास। अब इससे ये है कि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स कंडक्ट करा पाएगा, जैसे JEE हो गया, गेट हो गया, नीट हो गया, तो इसका नाम ध्यान रखिएगा एप्लीकेशन का। फिर एक रेयर पाम ट्री था फ्रॉम साउथ अंडमान आइलैंड से, अब इसने जो है इसको केरला लाया गया है, वहां पर ये खत्म हो रहा था तो इसको वहां पे लाके एस्टेब्लिश किया है केरला में। अब इस पाम ट्री का नाम देखिए क्या है, पिनांगा नाम है इसका, पिनांगा अंडमानिसिस करके है और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है, तो इसका पाम ट्री का नाम ध्यान रखिएगा, जिसको दोबारा से वहां पर लगाया गया है केरला में। अब देखिए 21 मई को होता है इंटरनेशनल टी डे। अब इंडिया जो है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर है टी का वर्ल्ड में, और कंज्यूम करता है 30% ऑफ द ग्लोबल आउटपुट। अब देखिए इंडिया और चाइना में रिसेंटली कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, फिर से शुरू हो गया है फेस ऑफ इंडिया और चाइना के बीच में। तो इस बार ये देखिए गलवान वैली रीजन में हो रहा है, ये इसको नाम ध्यान रखिएगा, गलवान वैली रीजन के अराउंड ये डिस्प्यूट हो रहा है। फिर देखिए इंडिया और कहाँ पर हो रहा है, ये याद रखिएगा कि आर्मी का क्लैश कहाँ पे हुआ, ये पैंगोंग शो लेक एरिया, ये लद्दाख में, तो इस लेक का नाम ध्यान रखिएगा पैंगोंग शो लेक। और इसी तरीके ये नाकुला पास है नॉर्थ सिक्किम में, इसको भी ध्यान रखिएगा नाकुला पास। फिर देखिए मई 21 को नेशनल एंटी टेररिज्म डे होता है, ठीक है। फिर देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वो क्वायर जियो टेक्सटाइल को यूज करेगी रूरल डेवलपमेंट में, रूरल लोन डेवलपमेंट में क्वायर जियो टेक्सटाइल का यूज करेगी। फिर देखिए यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने अटेंड की नैम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, और ये जो चेयर
चेयर किया गया था, हेड मिनिस्टर थे अजरबैजान के, ओक्टे थे, इनको इन्होंने चेयर किया था, और ये हेल्थ मिनिस्टर की मीटिंग थी ना इनकी। फिर देखिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने लॉन्च की एक स्कीम कि वो पूरा सोलराइज कर देंगे कोणार्क टाउन को और कोणार्क सन टेम्पल को कम्प्लीटली। अभी कोणार्क सन टेम्पल जो है ये याद रखिएगा किन नरसिम्ह देव वन ने बनाया था, और इसका जो शेप है ना वो चैरियट की तरीके है, और इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित कर रखा है। इस टेम्पल को ब्लैक पकौड़ा भी बोलते हैं, इसके बारे में एंशियंट हिस्ट्री में डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर देखिए श्री चित्र तुरुनाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल साइंसेज और टेक्नोलॉजी ने अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्च किया है मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल बेस्ड आरएनए एक्सट्रैक्शन किट, इसका नाम है अगापे चित्र मैग्ना, ठीक है। अब ये जो किट है ये इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल को आइसोलेट करने की आरएनए से, ये काम ये करेगी, ठीक है। चलिए आज के डिस्कशन में बस इतना ही है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और नेक्स्ट वीक की करंट अफेयर आपको मिल जाएंगी 1 जून तक, ठीक है। ओके, थैंक यू।